नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आज की एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वाराणसी के उमरहा में बन रहे विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, जिसको हम कहें तो स्वर्मेध महामंदिर धाम, और ये लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। और देखिए, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि दिसंबर में वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, इसलिए काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। स्वर्मेध मंदिर में किसी भगवान की पूजा नहीं होगी, यहाँ सिर्फ मेडिटेशन होगा। और ये देखिए, पत्थर के हाथी और यहाँ पे ऋषि मुनि यज्ञ करते, ये दर्शाया गया है। सब मकराना पत्थर है और उससे निर्माण हो रहा है इस स्वर्मेध महामंदिर धाम का। और अभी हम आगे चलकर आपको दिखाते हैं। और देखिए, काम हो रहा है बहुत तेज़ी से। हम आगे चल रहे हैं। किस दिन वार्षिकोत्सव है मंदिर का, और ये बाबा बताएंगे, आपको जानकारी देंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। मुझे कुछ बताइए आप। जगह ने काम अस्त कर रहा है। किस दिन आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी? 17-18 को यहाँ पर प्रोग्राम है। 17-18 को प्रधानमंत्री जी भी आएंगे? आ सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी ऊपर जाना गर्मी। अच्छा ठीक है, हम बाहर से दिखा देते हैं। और देखिए, काम हो रहा है बहुत तेज़ी से। 17-18 को इस मंदिर का वार्षिक उत्सव है स्वर्मेध महामंदिर धाम का। और देखिए, काम हो रहा है बहुत तेज़ी से। इस मंदिर में किसी भगवान की पूजा नहीं होगी, बल्कि सिर्फ मेडिटेशन होगा। और अभी हम आगे दिखाते हैं आपको। आगे सिखाते हैं हम आपको। और देखिए, काम हो रहा है, अभी ऊपर जाना मना है, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है। स्वर्वेद का मतलब स्व का अर्थ आत्मा और वेद का अर्थ ज्ञान, जिसके द्वारा स्वयं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे स्वर्वेद कहते हैं। यह मंदिर 64,000 स्क्वायर फीट में बना है और ये 7 मंजिला है। और यह विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जिसमें एक साथ 20,000 से ज़्यादा लोग बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये लगभग बनकर के तैयार हो चुका है, कुछ ही काम और बाकी है, वो भी जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। 17-18 को वार्षिक उत्सव है। उमरहा गाजीपुर रोड पे पड़ता है यह। सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संत समाज से संबंधित है यह स्वर्मेध महामंदिर धाम। और देखिए, इसके ऊपर कमल के आकार का गुंबद बना हुआ है सबसे ऊपर, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं अपना अगला वीडियो भी जल्द से जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।